अगली बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से। सुरक्षा सलाहकार जगदलपुर पहुंचे हैं, ऑपरेशन प्रहार के तहत अधिकारियों से कर रहे हैं चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें जगदलपुर से सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार पहुंचे जगदलपुर, ऑपरेशन प्रहार के तहत अधिकारियों से कर रहे हैं चर्चा। ऑपरेशन प्रहार में अब तक 26 मुठभेड़ हो चुकी है जिसमें 5 नक्सली ढेर हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जगदलपुर से आ रही है, सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार पहुंचे जगदलपुर, ऑपरेशन प्रहार के तहत अधिकारियों से कर रहे हैं चर्चा। ऑपरेशन प्रहार में अब तक 26 मुठभेड़ के दौरान 5 नक्सली हो चुके हैं ढेर। राजेंद्र बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशेष संवाददाता जगदलपुर से। राजेंद्र, सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार जगदलपुर पहुंचे, ऑपरेशन प्रहार के तहत अधिकारियों से चर्चा की जा रही है, मंथन हो रहा है इस ऑपरेशन को लेकर, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस चर्चा के बाद? दरअसल अगर सूत्रों की मानी जाए तो कुल ऑपरेशन प्रहार में 2020 से जो शुरुआत हुई है उसमें लगभग 26 एनकाउंटर नक्सलियों के साथ हुए हैं और इसमें 5 नक्सली जो है मारे गए हैं। तो ये ऑपरेशन प्रहार को किस तरीके से और घातक बनाया जा सकता है इसको लेकर बैठक हुई है और इसमें 7 जिलों के एसपी, बक्सर के आईजी, इसके अलावा सीआरपीएफ के कुल सभी अधिकारी थे, तो कुल मिलाकर 7 अधिकारियों की बैठक विजय कुमार ने ली है। और उसमें ये माना जा रहा है ये अपने सूत्रों के हिसाब से कि उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ रणनीति काफी तेज करने और घातक बनाने के लिए चर्चा हुई है, क्योंकि ये विजिबिलिटी का समय है, इस समय जंगलों में जो है बिल्कुल क्लियरिटी नजर आती है और बारिश के दिनों में जब पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं तो उस समय नक्सलियों के आमद रफ्त में वो उसके पीछे छुप जाते हैं, तो इस क्लियरिटी को भुनाना चाहती है फोर्स। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से नक्सली टेक्टिकल काउंटर ऑफ ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं तो वो उसका इस बार फेलियर रहा है और वो करीब करीब वो उनका जो कैंपेन है वो पुलिस ने हत्या लिया है और नक्सलियों के खिलाफ पुलिस चला दी है कि वो सीसी काउंटर जो है। तो ये माना जा सकता है कि 2022 तक जिस तरीके से नक्सल समस्या को खत्म करने का केंद्र और राज्य सरकार का जो निश्चय है उसको पूरा करने के लिए इस तरीके से बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आ रहे हैं और बैठकें लेकर किस तरीके से ऑपरेशन किए जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा नक्सलियों को नुकसान पहुंचे, यही इस मीटिंग का प्रमुख मुद्दा रहा है। चलिए बिल्कुल, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए राजेंद्र आपका शुक्रिया। तो खबर जगदलपुर से है, सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार पहुंचे हैं जगदलपुर, ऑपरेशन प्रहार को लेकर अधिकारियों से चर्चा की जा रही है, बारिश के मौसम में सेना की रणनीति पर चर्चा हुई है, मंथन हो रहा है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कर रहे हैं नक्सली ऑपरेशन। आपको बता दें आई बस्तर समेत 60 से ज्यादा सुरक्षा अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और अब तक ऑपरेशन प्रहार को लेकर बात की जाए तो 26 मुठभेड़ों के दौरान 5 नक्सली ढेर हो चुके हैं।